जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा श्री उमा दत्त जी को पत्र में कहते हैं, आपका पत्र मिला, सत्संग की बातें आपको स्वर्ग आश्रम में इतनी मिलती होंगी कि आप सुनते सुनते थक गए होंगे। उनसे अतिरिक्त और मेरे पास ऐसी कौन सी नवीन बातें हैं जो मैं आपको सुनाऊं? जो कुछ आपने सत्संग में सुना है उसे जीवन में उतार लीजिए, यही मेरा प्रेम भरा निवेदन है। श्री हित हरिवंश महाप्रभु का जो कथन सभी सत्संगियों के लिए है वह आपको लिख कर दे रहा हूँ। तनहु राखु सत्संग में मन ही प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरुसेव। श्री हित हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, भैया तन को अवश्य सत्संग में रखें, परंतु मन को सदा प्रिया प्रियतम के प्रेम में ही भिगोए रखें। यदि मन को प्रभु के प्रेम रस में नहीं भिगोया तो मन सूखे सत्संग की बातों को सुन तो लेगा, परंतु उनमें पूरी तरह डूबेगा नहीं। और जब तक मन डूबेगा नहीं, जीवन संसार जंजाल से निवृत्त नहीं हो पाएगा। मन को रस एवं स्नेह चाहिए, वह चाहे लाख समझाओ जाएगा वहीं जहां रस पाएगा। और समग्र विशुद्ध रस का दान करने में एकमात्र श्री कृष्ण ही कल्पतरु हैं, वे ही सर्व रस निधान हैं। अतः यदि सुख की चाह है तो उन परम रस निधान कृष्ण कल्प तरु का ही सेवन उचित है। निकसी कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश, राधा वल्लभ मुख कमल निरखत हित हरिवंश। श्री हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि मैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे की तरह केवल भाई तुझे उपदेश ही नहीं देता, मैं स्वयं भी दिन रात श्री राधा वल्लभ का मुख कमल देखता रहता हूँ। आहा कैसा विलक्षण कुंज है जिसके चारों ओर अशोक कदंब कचनार के वृक्ष पूर्ण कुसुमित खड़े हैं। इनके कुसुमों के गुच्छों से समस्त कुंज स्थल की शोभा आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि को प्राप्त हो रही है। विविध विहंगम तरुजाल में निलीन रहकर नित्य निकुंजेश्वर एवं नित्य निकुंजेश्वरी का दर्शन प्राप्त करने अति सुमुत्सुक हैं। इनमें से अनेक पक्षी तो तृण संकुल धरा पर सुस्पष्ट व्यक्त होकर नाच नाच कर हर्षित हो रहे हैं। कोकिलाओं का कूहू कूहू रव समग्र वनस्थल को मुखरित कर रहा है। ऐसी सुखद शोभा भरे कुंज प्रांगण में प्रिया प्रियतम परस्पर एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखे कुंज महल से बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। वे इस कुंज प्रांगण के मध्य स्थित एक परम सुंदर पारिजात वृक्ष की ओर बढ़ते हैं और वहां एक आसन पीठ में समासीन हो जाते हैं। सबसों हित निह काम मन वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। भाई यदि तू कहे कि मुझे तो राधा वल्लभ के दर्शन नहीं होते तो तुझे उनके दर्शन का साधन बतलाता हूँ। तू सभी जड़ चेतन में श्री राधा वल्लभ को भरा अनुभव कर और सबसे निष्काम मन रखता हुआ प्रेम कर। वृंदावन की भूमि में विश्राम कर, हृदय में श्री राधा वल्लभ लाल का ध्यान करने की चेष्टा कर और मुख से राधा कृष्ण नाम का निरंतर उच्चारण करता रहे। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, बिनु राधा जसुबैन। अरे भाई तेरा यह निश्चय इतना अमोघ
दृढ़ होना चाहिए कि यदि तेरी रसना नाम की रटन नहीं लगावे तो उसे तू काट डाले, और नयन यदि उनकी छवि नहीं देखें तो वे फोड़ दिए जाएं। श्रवण इंद्रियां, कान यदि श्री राधा रानी के सुयश की वाणी अनसुनी करते हैं तो उन्हें भी फोड़ दिया जाए। ऐसा यदि तेरा अमोघ दृढ़ निश्चय होगा तो निश्चय ही यह तेरा साधन दीर्घकालिक और अनवरत बिना विक्षेप के चलता रहेगा। बस यह साधन चलता रहा तो एकम एक दिन अवश्य तुझ पर प्रिया प्रियतम की कृपा वर्षा हो जाएगी और वे तुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर देंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे।